में पहुंच गए हम। जाते ही थोड़ा नहा लेंगे, पोंछ लेंगे शरीर को टॉवल से, ताकि चांसेस ऑफ गेटिंग इल। तो अभी हम सोच रहे थे कि बारिश रुकेगी तब जाए वापस या नहीं, तो मैंने कहा चल पड़ते हैं, पीछे से पोपो भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आज पहली बार आईफोन के पैसे वसूल हो रहे हैं जब बारिश में हम खुल के ब्लॉग बना रहे हैं। अब देखते हैं साला ख़राब होता है या नहीं होता। ये वारंटी नहीं है भाई, ये यूके वाला है फ़ोन वैसे, तो यहाँ पे इसको हम करा भी नहीं सकते। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो बारिश वाला व्लॉग आज, और अपने साथ अपने बरादा से भी है। हाय गाइस, ललित कैसा लग रहा है आज मॉर्निंग में? अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। और आज बारिश में, बारिश में साइकिलिंग मज़ा आ जाता है, और जिम जाके जब आप साइकिलिंग कर रहे हो तो अलग ही मज़ा आ जाता है। पीछे से जाके नहाने के दिन में बारिश में नहाएंगे। हाँ, तो अभी हम सोच रहे थे कि बारिश रुकेगी तब जाए वापस या नहीं, तो मैंने कहा चल पड़ते हैं, पीछे से पोपो भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बस यही था कि यार आगे निकल ले, पीजे ही जाना भी, अटेंडेंस भी लगाना, तो अटेंडेंस भी लगाने जा रहा था, फिर मैं कहा छोड़ यार, कभी कभी भाड़ में जाए भी बोल देना चाहिए चीज़ों को। क्यों भाई ललित, एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए जो नेचुरल लाइफ है, मतलब बारिश का। हाँ हाँ, सिटी में आके तुम लोग भूल जाते हैं, मतलब कि बारिश के बाद तो कहीं नहीं, मैं भूल जाऊँगा ये है यार, कपड़े भीग जाएंगे। हाँ, हम भी पहली बार ही नहाए आज इस मौसम में, लास्ट बार भी तब नहाए थे। अगर बीमार वगैरह हो गया तो वो एक अलग बात हो जाएगी, कोई नहीं, वैसे भी छुट्टी मिल जाएगी, फिर भी छुट्टी मिल जाएगी ना, तो अल्टीमेटली हमें छुट्टियाँ ही तो चाहिए, तो छुट्टियाँ मिल ही जाती हैं। तो इस तरह का है नज़ारा, अभी थोड़ा आगे का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इस पर बहुत लोगों से मुझे डांट भी खाने को मिलेगी, बट कोई बात नहीं, कभी कभी जो दिल करता है ना वो कर लेना चाहिए। ये देखो भाई, तो आप ग्रेट 15 सेक्टर द ग्रेट चंडीगढ़ में सुबह सुबह कैसा नज़ारा होता है। और आज पहली बार आईफोन के पैसे वसूल हो रहे हैं जब बारिश में हम खुल के ब्लॉग बना रहे हैं। अब देखते हैं साला ख़राब होता है या नहीं होता। ये वारंटी नहीं है भाई, ये यूके वाला है फ़ोन वैसे, तो यहाँ पे इसको हम करा भी नहीं सकते रिप्लेस। और ये देखिए सुंदर सुंदर 15 सेक्टर के घर, और ये सुंदर सी गड्डी आई आगे से, कुछ कुछ तो स्पीड में आती है गड्डियाँ, इंडिकेटर भी नहीं देते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी हम निकल लिए हैं अपने 15 से 16 सेक्टर की तरफ। अभी चाय का मैं ललित से रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार साला चाय तो पिला दे, तो ये कहता है कि नहीं नहीं चाय नहीं, प्रोटीन ही पीना है। और साथ ही में हम भगवान जी का आशीर्वाद भी ले लेते हैं जय श्री राम। ये मंदिर है अपना 15 सेक्टर का, तो यहाँ पे हम भगवान जी का आशीर्वाद ले। ये देखो छोरा भाई, अलग ही इसने भिगवा दिया, वैसे तो मेरा मन नहीं था, तो कहता चल यार कितनी देर रुकेंगे यहाँ पे, तो मैं कहा ठीक है। और साला ब्रेक नहीं लग रहा एक हाथ से, चल ललित आ जा, आगे आ जा, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो तो गाड़ी ठोके ना मुझे, नहीं तो चल 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 चल। वाह वाह, क्या व्लॉग बना दिया आज, तो मज़ा आ गया। सारे पकोड़े वकोड़े बनाने भी सीख ले, पहले में डेमोस्ट्रेशन चाहिए, डेमो चाहिए ना, अच्छे वाले। अच्छा हाँ, तो यार कोई लड़की हमारी दोस्त जो बहुत अच्छे पकौड़े बनाती है ना, उसको अच्छे बनाने आपको, हाँ तो हम उसको बुलाएंगे। साइड में ले ले भाई, साले भाई बिल्कुल सरपा के हुरन मार रहे हैं, पता है यार बंदा ब्लॉग बना रहा है, थोड़ी शर्म कर लियो। ये देखो कितना पानी भरा, बहुत तगड़ी बारिश हुई है गाइस चंडीगढ़ में। यहाँ अक्सर होता रहता है, ये पनामा के जो जंगल है इनको क्रॉस करके फिर हम पनामा के बाद कौन सा आता है, अमेरिका, फिर अमेरिका के जंगलों में घुसेंगे ना, ना अफ्रीका होगा भाई, मेरा नहीं ज्योग्राफी बहुत साल हो गए पड़े हुए लेकिन जो अपने भाई है बियर ग्रिल्स, तो उनको थोड़ा कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, आजकल इंस्टाग्राम पर ट्रेंड बना हुआ है,
तो गाइस कोई बात नहीं, मेरी बकवास को इग्नोर करो और बारिश का जो मौसम है ना उसको एंजॉय करो यार। हाँ, अपने बिस्तर में बैठे बैठे आपको बारिश का मज़ा दिला रहा हूँ मैं। आज तो यार मेरी बेबी गीली हो गई पूरी, भीग गई पूरी मेरी बेबी। तो अभी इसको ठीक है, वैसे अंदर ही खड़ी करते हैं हम ना भाई। बिल्कुल भीग चुके हैं, बहुत बुरी हालत हो गई है और आगे जाके दूध लेना है। 16 तक में पहुँच गए हम, ठीक है। जाते ही थोड़ा नहा लेंगे, पोंछ लेंगे शरीर को टॉवल से ताकि चांसेस ऑफ गेटिंग फील कम हो जाए। और देखते हैं, चाय पत्ती पड़ी होगी तो चाय भी बना दिए। ले ली यार, चाय पत्ती ले ही लिए, आज तो पीने का मन हो ही रहा। चलो गाइस अभी चलते हैं यार सीधे रूम पे ना। अभी साला ये फ़ोन कहने को वाटरप्रूफ होता है, है ललित? मैंने कहा कहने को वाटरप्रूफ है ये फ़ोन। हाँ तो वैसे अभी इसकी 15 मिनट की मियाद पूरी होगी। तो मैं मेरा एक फ़ोन का वो चेंज करा था, वो काफ़ी लोग लेके आते थे, उसको पानी में हो गया, फिर नहीं होता। हाँ तो मैंने कहा ख़राब क्यों करना, बंद कर देते हैं, काफ़ी 15-20 मिनट हो गए। चाय बनाते तो दिखाते हैं। ओके बाय बाय। तो भाई फाइनली ये भाग रहा है, लैब पहुंच गए हैं, चाय रूम पे पी नहीं पाया मैं। डर गया वो नवीन, भाग गया। तो बस अभी वेटिंग फॉर द टी। रवि भाई आ जा यार, वो तो भाग गया व्लॉग से। हेलो गाइस, रवि कैसा है भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया, वही बता रहा था मैं, सुबह व्लॉग स्टार्ट किया था तो ललित ने चाय नहीं पीने दी थी, कहता नहीं नहीं हेल्दी नहीं है ये है। तो मैं गया, फिर बारिश आ रही थी तो लेट आए, अब आए हैं PGI में। जिम भी गए सुबह? हाँ गए थे ना सुबह, तभी से हाँ बारिश आ रही थी तो उसका थोड़ा सा मज़ा लिया वो सब चीज़, तो वो आप लोग व्लॉग में देख पाओगे। तो ये है भाई अपना लंच, ठीक है, घर से ही लाए थे, रोटी यहाँ पे ले ली और बढ़िया स्वीन चावल पिल रहा है मस्ती से। तो भाई खाना खा लिया और लैब में आ गया, तो पेट फुल है, नींद आ रही है थोड़ा थोड़ा ना, लंच के बाद ये हो जाता है कि डिजीनेस सी फील होती है ना। तो ऐसे लौट जाते हैं हम, देखो टेबल के नीचे घुस जाते हैं और थोड़ी देर सो लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, तो इस टाइम तक 2-3 बजे तक थोड़ी सी थकान भी आती है। सो एनीवे बहुत दिन बाद आप लोगों से गुफ्तगू हुई तो काफ़ी अच्छा लगा, और बस ऐसे ही प्यार देते रहना हमारे ब्लॉग्स को, अर्जुन 96 को, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।